हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सिक्स कली का पेटीफुल, जो कि हम अस्तर वाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 मीटर अस्तर लिया है। आइए देखिए हम इसकी कटिंग इस तरह से करते हैं। ये है अस्तर, ये मैंने 2 मीटर अस्तर लिया है। इसको हम 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। इसको ये जो पेटीकोट मैं बना रही हूँ, इसकी लंबाई है 36 इंच। तो हमें इस पेटीकोट की लंबाई, जो अस्तर को हम कटिंग करेंगे, ये 36 इंच पर ही कटिंग करेंगे। 2 इंच का इसमें ऊपर नेफा लगेगा, तो जो हमारा फोल्डिंग का मार्जिन होगा वो हमारे नेफे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 36 इंच पे हमें निशान लगा करके हम इसे सीधा कट कर लेंगे। जो कपड़ा हमने पट्टी हमारी कटी है, ये हमारे नेफे में यूज़ हो जाएगी। अब हम कमर का नाप लगाएंगे। कमर हमारी है 37 इंच, तो इसे हम 5.5 इंच लेंगे। दोस्तों, ये जो निशान मैंने लगाया है, यहाँ से हमारी 2 कलियाँ कटेंगी, जो कि बड़ी कलियाँ बनेंगी, और दूसरी साइड से भी हम 5.5 इंच ही लेंगे। तो ये जो हमने साइड, जिस साइड हमने निशान लगाया है, उसके अपोजिट साइड भी हम 5.5 इंच ही लेंगे, और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। सिक्स कली पेटीकोट है, इसमें 2 कलियाँ बड़ी बनती हैं, 4 कली हमारी छोटी होती है। जो बीच की कली आएगी वो हमारी बड़ी आएगी, और दोनों साइड में छोटी कली आएगी। ये देखिए, मैं आपको रख करके दिखा रही हूँ ये कलियाँ किस तरह से दिखेंगी। अब देखिए, इस तरह से ये हमारी कलियाँ इस तरह से आएंगी। अब हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। अभी हमने अस्तर की कटिंग करी थी। ये मेरा जो कपड़ा है, ये 3 मीटर है। इतने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरे पास ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो मैं इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल करके अलग रख दूँगी। जिस तरह से हमने अस्तर को चार फोल्ड करके रखा था, वैसे ही हम मेन कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। और जो बड़ी वाली कली है, वो बंद वाली साइड की तरह जगह से आई है, तो वो बंद साइड की तरफ ही हम रखेंगे इस तरह से। और ये जो 4 कलियाँ हमने निकाली थी, ये हमारी खुली साइड से निकलेंगी। तो अब इसको हम रख करके इसको हम कट कर लेंगे। दोस्तों, इसमें मैंने नीचे जो घेर है हमारा, वहाँ मैंने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, तो वो हम कटिंग नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। देख रहे हैं आप, नीचे 2 से 2.5 इंच का कपड़ा है, इसको हमें नहीं कट करना है। ये हमारी कलियों की कटिंग हो चुकी है। अब हम नेफे की कटिंग कर लेंगे। नेफा कमर हमारी 37 इंच है, तो हम इसको फोल्ड करके रखेंगे। 2 इंच का हमें नेफा चाहिए, तो 2 इंच हम चौड़ाई लेंगे, और लंबाई इसकी हम 37 इंच हमें कंप्लीट रखना है, तो हम इसको 38 इंच लेंगे। ये हमारे नेफे की कटिंग हो चुकी है। इसमें नेफे में लंबाई थोड़ी सी कम हो रही है, तो इसको जब मैं स्टिच करूँगी, तो आपको उसमें मैं थोड़ा सा मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा, तब मैं आपको बता दूँगी जॉइंट करके कि हम कितना लंबा लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने पेटीकोट की कटिंग कर ली है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे स्टिच करेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसको हम किस तरह से स्टिच करेंगे। ये जो हमारी बड़ी वाली कली है, इसमें हम जो अस्तर है, अस्तर को मेन कपड़े पर सिलाई से अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको हम रख लेंगे, और चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, जो नीचे का घेर है, इसको हम कट नहीं करेंगे। दोनों साइड से हम कपड़े को कटिंग करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा लेंगे। ये देखिए, नीचे 2 से 2.5 इंच कपड़ा है, इसको मैं कट करके नहीं निकालूंगी, क्योंकि इसको जब हम कपड़े को नीचे से घेर को हम फोल्ड करेंगे, तब वो काम आएगा हमारे। इसी तरह से ये सारी कलियों को हम सिलाई से अटैच कर देंगे। और लेकिन इसमें भी हम नीचे वाले मार्जिन को कटिंग करके नहीं निकालेंगे। ये देखिए, मैंने सारी कलियाँ जोड़ ली है। इसी तरह से आपको भी मशीन से सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है। अब हम इन सारी कलियों को जोड़ देंगे आपस में। दोस्तों, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है
जो हम बड़ी वाली जो हमारी कली है उस पर हम छोटी कली अटैच करेंगे। तो जो सीधी वाली कटिंग है ये देखिए, इसमें इसमें देखिए दोस्तों, हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये जो बड़ी कली है ये हमारी तिरछी कली है। इस तिरछी कली में जो हम साइड की जो कली अटैच करेंगे उसको हमें तिरछी वाली साइड को नहीं रखना है। जो सीधी कटिंग हुई है उस वाले कपड़े को तिरछी वाली कटिंग के साथ हमें स्टिच करके दिखाना है। जिस तरह से मैं देखकर सिलाई लगा रही हूँ, आप भी इस तरह से ही रख करके फिर सिलाई लगाइएगा। ये देखिए, अब दूसरी साइड ये हमारी तिरछी साइड है और ये जो हमारी कली है ये देखिए हमारी सीधी साइड, सीधी कटिंग है। यहाँ से एक साइड हमारी तिरछी होगी और एक साइड हमारी सीधी होगी। इसको भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी तीनों कलियां जुड़ चुकी हैं। इसी तरह से हम बाकी की तीनों कलियां भी जोड़ लेंगे। ये देखिए तीन कली हमारी आगे हो गई है, तीन कली हमारी पीछे हो गई है। अब मैं इन दोनों को साइड से जॉइंट कर दूंगी। ये इस तरह से हम दोनों कली दोनों साइड को हम जॉइंट कर देंगे। ये जो दूसरी वाली साइड है यहाँ पे हम जब नेफा सिलते हैं तो इसलिए इसमें इसको हम ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ करके फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये लगभग दो से ढाई इंच हम खुला छोड़ते हैं, साइड में नेफा लगता है। तो मैं यहाँ पे ढाई इंच ऊपर से ढाई इंच छोड़ करके फिर सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने निशान लगा लिया है ढाई इंच पे, आप भी यहीं पे निशान लगा करके फिर यहाँ से सिलाई शुरू करिएगा। ये हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हमारी जुड़ जाएंगी। अब ये इसको हम नेफा लगाने से पहले हम ये साइड को सिलाई लगा करके फोल्ड कर देंगे। यहाँ आप चाहें तो चेन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो रेडीमेड पेटीकोट जो आते हैं उनमें इसी तरह से फोल्ड किया हुआ रहता है, तो मैं उसी तरह से ये पेटीकोट बना रही हूँ। ये देखिए बन चुका है, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये सिल चुका है। अब इसमें हम नेफा लगाएंगे। तो नेफा लगाने से पहले जो नीचे का घेर है ये देखिए, ये नीचे जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था ये नीचे फोल्ड करने के लिए काम आएगा, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया था। आप चाहें तो नीचे अलग से पट्टी लगा करके भी ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इसी कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ, तो आप भी इसको इसी तरह से फोल्ड करके पूरा घेर बना सकते हैं। और इस तरह से फोल्ड करके हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने पूरे में नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। इसी तरह से आप भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिएगा। अब हम नेफा बनाएंगे। नेफा बनाने के लिए हमें हमारे पेटीकोट की जो कमर है वो है 37 इंच। तो ये देखिए 37 इंच ही आ रहा है, 18.5 आ रहा है, तो ये 37 इंच हो रहा है। तो हमें कंप्लीट नेफा जो हमारा 18.5 तो डबल फोल्ड करके आया है, मतलब 37 इंच का ही चाहिए। तो हम नेफा बनाते हैं। ये देखिए हमारे नेफे की जो लंबाई है वो हमें 18.5 कंप्लीट चाहिए, तो ये कम है, तो इसमें मैं जॉइंट लगा करके इसकी लंबाई बढ़ा दूंगी। चौड़ाई हमने 2 इंच रखी थी तो 2 इंच ही है। इसमें जो लंबाई कम थी तो मैं इसमें कपड़ा जॉइंट करके उसकी लंबाई को कंप्लीट कर रही हूँ। 18.5 इंच ये हमारा कंप्लीट आ जाएगा। ये देखिए 19 इंच हो रहा है, ये फोल्ड होकर के 18.5 रह जाएगा। इसमें हम इसी के नाप से हम अस्तर की पट्टी भी लगा देंगे अंदर से ही। तो मैं अस्तर की पट्टी इसमें जॉइंट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अस्तर जॉइंट कर दिया है, इस तरह से फोल्ड कर दिया, इस तरह से आप भी फोल्ड कर लीजिएगा। अब हम नेफा
लगाएंगे पेटीकोट में। देखिए किस तरह से लगाते हैं, इस तरह से आप भी, जिस तरह से मैं नीचे नेफा रखा हुआ है और ऊपर पेटीकोट रखा है, इस तरह से आप भी स्टिच कर लीजिएगा। ये देखिए, और इस तरह से ये हमारा नेफा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए नेफा बन के तैयार हो गया है। अब हमारा पेटीकोट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए पूरा पेटीकोट कंप्लीट है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।